कृषि बिल पर छिड़े संग्राम में तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ खड़ी हैं। विरोधी सुर को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। राहुल गांधी ने इस कैंपेन का एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। राहुल ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, मोदी सरकार द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार और शोषण के खिलाफ आइए साथ मिलकर आवाज उठाएं। राहुल ने अपने वीडियो के जरिए #speakupforfarmers कैंपेन से जुड़ने की बात भी कही। इस वीडियो में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर किसानों के खिलाफ कृषि विधेयकों को लाने और उनके अधिकारों पर हमला करने का आरोप लगाया है। वीडियो में यह भी कहा गया कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से किसानों को बर्बाद करने का काम कर रही है। सत्ता में आने के बाद बीजेपी किसान की जमीन हड़पने का अध्यादेश लेकर आई थी। तब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किसानों को उनका हक वापस दिलवाया गया था। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने यह भी दावा किया, मोदी सरकार अपने तीन काले कानूनों से कृषि क्षेत्र को उद्योगपतियों को सौंपने की तैयारी में है। हमारी सरकार से मांग है कि किसान को फसल की MSP सुनिश्चित की जाए और मंडी प्रणाली को बनाए रखने के लिए कानूनी रूप दिया जाए। इससे पहले भी राहुल गांधी ने राज्यसभा में कृषि बिल पास होने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने इस बिल को किसान के लिए मौत का फरमान बताया था। बहरहाल, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,